एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको पेने पास्ता कैसे बॉईल करें फटाफट इसका तरीका बता रही हूं, और आप यकीन मानेंगे कि बहुत अच्छा ये तरीका है और आपको लगेगा वाओ प्रेशर कुकर में भी इतना अच्छा कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप पेने पास्ता, 1/2 टीस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक, और 2 कप हमने लिया है पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुकर में हम डाल रहे हैं ये पास्ता पानी के साथ, थोड़ा सा ऑयल और ये नमक, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए पास्ता अच्छे से डूब जाए, और जब ये बॉईल हो जाए तो भी डूबा रहे, इतना ये पानी है। अब हम प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और एक विसल आने का इंतजार करते हैं। एक विसल आ गई है, प्रेशर अपने आप हमने ठंडा होने दिया है इसका, और आइए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया ये पास्ता बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं, नहीं तो ये इसको बॉईल करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल देखिए गल गया है, बहुत अच्छे से, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको करते हैं स्ट्रेन, ये हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और ऐसे आप बॉईल करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा वाओ कितना बढ़िया ये पास्ता है। ये देखिए एक एक पास्ता खिला हुआ है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। और इसको अब हम ठंडे पानी से भी एक बार निकाल देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और बस ये आपका बढ़िया सा लगने वाला पास्ता बनकर तैयार है। मुझे लगता है आपने ऐसे कभी बॉईल नहीं किया होगा, तो बताइएगा जरूर, शेयर कीजिएगा कि मेरा ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। तो देखिए कितना अच्छा ये पास्ता बॉईल हुआ है, इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।